नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता क्रिएटिव विनीता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाजर मूली का मिक्स पराठा, जिसे हम झटपट बना करके तैयार करेंगे। लंच बॉक्स के लिए भी ये पराठा काफ़ी एप्रोप्रिएट है। तो चलिए जानते हैं गाजर मूली के पराठा को कैसे बनाया जाता है। पराठा बनाने के लिए मैंने दो गाजर, दो मूली को छील कर ग्रेट करके रखा है। अब इसमें हम मिलाएंगे नमक। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी कोई मसाला हम नहीं डालेंगे और इसे ढक कर हम 5-10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। मैंने करीबन 2 कप आटा लिया है। इसमें हम डालेंगे नमक और कुछ मसाले हमें ऐड नहीं करना है, और इसका हमें नरम सा डो लगा करके तैयार करना है। जब भी हम पराठे बनाते हैं, उसके लिए हमें सॉफ्ट डो ही लगा कर तैयार करना होता है। हमने सॉफ्ट डो लगा करके तैयार कर लिया, आप देख सकते हो। इसे हम ढक कर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब बढ़ते हैं गाजर मूली की तरफ। गाजर मूली ने पानी अच्छे से छोड़ दिया है। अब एक सूती कपड़ा लेंगे, आप कोई भी किचन टॉवल ले सकते हो, साफ होना चाहिए। आप चाहो तो हाथों की मदद से भी पानी स्क्वीज कर सकते हो, बट ऐसे करने से पानी अच्छे से निकलता है। और सारा पानी हम स्क्वीज कर लेंगे, निचोड़ निचोड़ के सारा पानी इसका हम निकाल लेंगे, ताकि पराठे बनाते वक्त पराठे हमारे फटे ना। इस पानी का उपयोग आप सब्जी की ग्रेवी या सूप वगैरह में कर सकते हो, या आटा लगाने में भी कर सकते हो, बट मैंने ऑलरेडी आटा लगा लिया है। ये गाजर मूली का स्टफिंग हमारा तैयार है। इसे हम फ्राई करेंगे। अब गैस ऑन करके कढ़ाई में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म हो जाने के बाद में उसे हम डालेंगे राई, जीरा, इनको हम तड़कने देंगे। अब गाजर मूली को इसमें हम ऐड कर देंगे। गैस की आंच एक बार हम लो रखेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सत्तू का आटा। आप इस जगह बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर बेसन का इस्तेमाल करो तो आप उसे तेल में ही 2 मिनट के लिए भून ले। बेसिक मसाले इसमें डालेंगे धनिया, मिर्च, हल्दी पाउडर, साथ ही डालेंगे अजवाइन, हाथों की मदद से क्रश करके डालेंगे। और अच्छे से इसे हम 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। बेसन का इस्तेमाल करते हो तो उसको आपको तेल में भूनना पड़ेगा। साथ ही डाल देंगे जरा सा काला नमक। बस मसाला हमारा बनके तैयार है। अच्छे से सब मसालों को 1 मिनट के लिए भून लेंगे हम। लास्ट में इसमें हम गार्निश कर देंगे हरी धनिया की पत्ती। आपके पास अगर हरी धनिया की पत्ती ना हो तो आप कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। हरी धनिया की पत्ती को मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार है। गैस बंद करके इसे हम रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा होने देंगे। झटपट ठंडा हो जाएगा, विंटर का मौसम है अभी। अब बढ़ते हैं आटे की तरफ। आटे को हम इकसार कर लेंगे। आटे को अगर इस तरह से आप लगा के छोड़ देते हो 10 मिनट के लिए, उसके बाद इसे अगर आप मथते हो तो बड़ी आसानी से आटा लचीला हो जाता है। हाथों में तेल लगाकर इसे हम ग्रीस करके अच्छे से इकसार कर लेंगे। इस तरह से आटा लगाने से पराठे काफ़ी सॉफ्ट और बिल्कुल भी फटे हुए नहीं बनते हैं। आटा हमारा तैयार है, स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। 1 लोई लेंगे, सूखे आटे में डस्ट करेंगे और जिस तरह आपको कन्वीनियंट लगे उस तरह से आप स्टफिंग भरें। मैं छोटी एक पूरी की तरह बेल रही हूँ और बीच में इसमें स्टफिंग भरेंगे इस तरह से एक बॉल बना करके, और इस तरह से इसे सील कर देंगे जैसा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। सूखे आटे में वापस से डस्ट करेंगे और हाथों की मदद से थोड़ा फ्लेट कर लेंगे और हल्के हाथों से इसे हम बेल कर तैयार करेंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल भी पराठा हमारा नहीं फटेगा। आप चाहे गाजर मूली के बनाओ, गोभी के बनाओ, आलू के बनाओ, आटा हमें इसी तरह से ही तैयार करना होता है। तवा मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। गैस की आंच हम लो टू मीडियम रखेंगे। मैंने लोहे का तवा का इस्तेमाल किया है। एक साइड से सिकने के बाद इसे पलट लेंगे। घी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो, मैं यहाँ घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। पराठे में घी का इस्तेमाल करना ज़्यादा स्वाद लगता है पराठा। इसमें अप्लाई करेंगे हम घी। दूसरे साइड से पलट लेंगे और अच्छे से इसको हम सेकेंगे।
दूसरी साइड भी घी लगा देंगे। आप देख सकते हो कहीं से भी पराठा फटा नहीं है, फूल कर एकदम तैयार है ये। अच्छे से प्रेस करते हुए कुरकुरे पराठे हम बना करके तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी पराठे भी बना करके तैयार कर लेंगे। ये पहला पराठा हमारा बन गया है, बाकी पराठे भी इसी तरह से हम सेक कर तैयार कर लेंगे। आशा करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।